रात को आएगी कैसे, क्योंकि वहाँ पे वो रुकेगी तो है नहीं। पता था आपको गर्ल्स आर कलेशी, लड़कियाँ कलेशियम होती हैं। अगर आपकी वाली भी है कोई कलेशी, जिसकी भी है मुझे पता है वो कलेशी तो होंगी। आप लिख देना नीचे, हाँ भाई मेरी वाली भी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल है आप सबके, आप सब बढ़िया हो? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो आप सोच रहे होगे कि मैं एकदम चैन फ्लैक्स को, सॉरी घड़ी फ्लैक्स करता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। सो गाइज, मैं अभी जा रहा हूँ रितिका को एक तरह से कह सकते हैं लेने, क्योंकि यार पता नहीं इतना बोला नहीं जाता यार, तो मैंने बताया था आपको और रितिका ने भी, मैंने ही नहीं रितिका ने, लाइक मिनट भाई बहुत ज़्यादा जाम है यार, थोड़ा देख के चलाना पड़ता है यहाँ पे। तो कह रहा था हाँ, तो रितिका ने बताया था अभी लास्ट व्लॉग में कि उसने जाना है इवेंट पे तो अपनी दोस्त के साथ। अब वो गई, मतलब जाएगी कैब से ही जाएगी जहाँ तक है, उसके जो फ्रेंड है उसके पास शायद गाड़ी नहीं है, तो एक कैब से, मतलब अभी शायद जा ही चुकी होगी वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, एक तो इसको सरप्राइज़ दूँगा, दूसरी जो मेन थिंग इज़, मतलब है बहुत दूर, वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, बट मैं जा रहा हूँ। फिर वो रात को आएगी कैसे, क्योंकि वहाँ पर वो रुकेगी तो है नहीं। रुकेगी नहीं तो वो रात को कैब करके आएगी अपनी फ्रेंड के साथ। तो मैंने कहा, मतलब फिर मैंने सोचा कि मैं ही चला जाता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि रात का टाइम है। मतलब अपने घर से भी उसे, मतलब जैसे 6 बजे जाती है ना, 5-6 बजे, तो उसको जाने देता हूँ खुद से, वो भी मतलब मेट्रो से ही। तो मतलब मैंने सोचा कि फिर मैं ही चला, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि रात को आपको पता है दिल्ली का आजकल तो इंडिया का ही बुरा हाल हो गया, रोज़ न्यू केसेस, कभी कुछ कभी कुछ, तो बस वही मन में वो रहती है चीज़। वैसे तबीयत मेरी इतनी ठीक है नहीं कि मैं जा रहा हूँ, बट जाना मेरी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे। तो मैंने कहा उसको लेने जाता हूँ, तो फिर उसे सरप्राइज़ भी दे दूँगा और थोड़ा ये रहेगा सेफली आएगी घर पे और ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अभी तो मैं निकला हूँ, जाम में फंसा हूँ। आज क्या 26, आज सैटरडे हो गया है, ये कौन सी डेट दिखा रहा भाई, बताओ इसके भरोसे रहूँ तो डेड है मामला, बताओ डेट ही गलत दिखा रहा है, इसको ठीक करेगा इस पहले। वैसे मैं अपनी दी को भी लूँगा रास्ते से, वो वहीं रहती है पानीपति, तो उनको लेके फिर रितिका को देंगे सरप्राइज, फिर रितिका का रिएक्शन देखेंगे। उसने मुझे भी कहा था कि चल ले, और मैंने इंस्टा पर स्टोरी भी डाली थी कि मैं जाऊँगा, फिर मैंने कहा नहीं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी। तो मज़ा आएगा जब उसे देंगे सरप्राइज, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना, मतलब आप लोग बोर हो गए थे कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा अभी जब वो वीडियोस बनाने के लिए मेरे लिए इतना कर सकती है कि वीडियोस बना लूँगी, तो ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए कि मैं उसके लिए जाऊँ इतनी दूर। मैनू ना, मैनू किसी का है गुंडे भाई, मैनू किसी की मेल आई है, बंदे का नाम पता नहीं क्या था, मैं स्क्रीन शॉट ले रहा था, मैं भुल जाना सब कुछ, मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। करनाल में मेरी धोखेबाज एक्स है भाई, उसको शाउट आउट दे देना, बंदे का नाम है विनय ठाकुर, मैं काम करता था। ते केड़ा गाना सुनोगे पहला? नहीं यार, है जी तीजी सीट होर टेंपरेरी प्यार टेंपरेरी। सो गाइस, रितिका को मैंने पिक कर लिया था कहाँ से, गाइस ये पीछे पीछे मेरे आ गया, मैंने इसको बुलाया भी था, तो रात को उठ के आती कैब में ना, वो ज्यादा बढ़िया था। तो तू है कौन, हम आपके हैं कौन, कर्जदार तो दे
ले फिर मेरा, दे क्यों नहीं रहा इतना टाइम हो गया, वो तो मैं तुझे डेली मैसेज करती देता क्यों नहीं, तो मैं तुझे भाई मेरा पैसा दे दे खा के बैठेगा कैसे मेरे साथ, खा चुका हूं खत्म कर दिया यार, दे दे भाई ऐसे किसी का पैसा नहीं मारना, नहीं मैं मार लेता किसी क्या सुबह बस यार ऋतिका को गाइस मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं जहां इवेंट पे गई थी मैंने वही कपड़े बदल लिए थे इसलिए इस रूप में आ गई, मैंने भी दीदी को नहीं, दीदी को नहीं दिखाया था वो भी यही रीजन था कि मैं इतनी लेट हो गई थी, दिखाया था नहीं, अरे भैया लेट इतना कर दिया मैंने, ये कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता गाइस, इन्होंने इतना लेट कर दिया, 10 बजे पहुंचा हूं मैं और वहां हमारा इवेंट खत्म हो ही चुका था, सिंगर साहब वो 11 बजे आए थे, 8:30 का टाइम था, 11 बजे बहुत मजा आया था यार, पर भाई बहुत बढ़िया बंदा था और बहुत मजा आया सीरियसली, एंड जिन्होंने मतलब मेरे को इनवाइट क्लिप्स मैंने लगा दी होगी और जो इन्होंने इनवाइट किया था वो इज सच अ जैम मैन जैम पर्सन, बहुत बढ़िया बंदे हो, जिसको भी जाना हो उस होटल में आप जा सकते हो, मोटे पता मोरल बता इस वीडियो का पहले, मोरल यही कि मैंने मना कर रही थी रितिका बट स्टिल मैंने कहा नहीं इसको, मैं मना कर रही थी मतलब तू चली गई थी, मैं मना कर रहा था कि मैं नहीं आऊंगा फिर भी मैं चला गया कि रात को आएगी कैसे, चली तो गई थी, पर तूने तो मुझे बताया नहीं तू आ रहा है यार, सर पे आइस भी एक चीज होती है सरप्राइज, अच्छा तो मेरे को लगा सर पे आइस ये बार बार क्यों कह रहा है, अच्छा तू सरप्राइज बोलना चाह रहा है मुझे अब समझ आ गई, स्लो बुद्धि तो फ्लावर वाला वगैरह भी लिया था थोड़ी सी और बढ़ जाती मेरी तब कोई सरप्राइज नहीं देता यार, देख भीख मांगने का कैजुअल तरीका था क्या मेरा थोड़ा, हाँ कोई दिक्कत नहीं कल ला दी गाइस, मैंने कोई क्लिप था मतलब उसकी बनाई थी सिंगर की, वो मैं सब अटैच, इसने मेरे रिएक्शन भी नहीं लिए तब मैंने इसको रिएक्शन, गाइस मेरी ऐसी हालत हो गई है ना, मैं सुना ये आपको हर बार यही बोलेगा जब भी कोई वीडियो में नया मेन होगा ना कुछ नया बनेगा, ये आपको यही बोलेगा कि गाइस मेरा फोन नहीं उठ पाया था गाइस मैं बीमार था गाइस, मैं आज सच बता रहा हूं मैंने कुछ नहीं खाया, नून नदी का रिकॉर्ड लिया मैंने रात को, अरे यार नहीं ले पाया वो लेट कर दिया उन्होंने, कभी सैलून पे चली गई, अरे वो सैलून पे बैठी हुई थी यार वहां से घर गया, तो आप इसको ये शिकायत लिख सकते हो कि भाई तुम पूरा व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, और मैं खुद डिसअपॉइंट हूं इससे कि इसने कुछ नहीं बनाया है, नहीं बनाया अगर मैं मैंने होती तो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाती, मैंने इसको काका के वहां पे भी बोला पता है फोन नहीं उठा रहा, मैंने इसको बार बार बोला कि व्लॉग ले यार मैं थक गया था, मैंने रोटी वोटी नहीं खाई थी, हां मतलब यार देख तू तब खा भी लेता ना तब भी तू ये बोलता सी, मैं सॉरी टू से बट यही रियलिटी है, यार मैं खा लेता हूं तो पेट खाने की आदत ही नहीं है और नहीं खाता, और मेरे को अभी इतनी नींद आ रही, मेरी खुद इतनी तबीयत खराब है, स्वेयर में झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी कल रात से इतनी गंदी तबीयत खराब है, मेरे को बहुत जरूरी था यहाँ पे आना इसलिए मैं यहाँ पे गई थी, और अभी भी मेरी आंखें बंद हो रही है और मेरे को अभी भी दवाई खानी है, मुझे ट्रैवल करना इतना पसंद है मुझे बहुत मजा आता है गाड़ी चलाना, बस मेरी तबीयत ठीक हो ना फिर तो आपको ऐसा, और आज तो हम दोनों ही बीमार है और सेम बीमारी, हमें स्टमक इन्फेक्शन हो रखा है सीवियर, मुझे जाते ही दवाई लेनी है, फिर मैं कहाँ मेकअप रिमूव कर पाऊंगी, स्किन केयर करूंगी नहीं, आज सो जाऊंगी ऐसे, मस्त कंटेंट लाऊंगा अगर मेरी तबीयत ठीक हो, ट्रैवल का ट्रैवल करना मुझे बहुत मजा आता है, इट्स नॉट अबाउट ट्रैवल, हम अपना वो ले आए अगर हमारा सही हो सब कुछ, तो हमारी लड़ाई इतनी होती है, अभी रास्ते में बात हुए भी होगी थी, ये भी बता दिया पता था आपको, गर्ल्स आर कलेशी, लड़कियां कलेशन होती हैं सच में भाई, बहुत गाइस मैंने इसको बस पानी की बोतल बोला, इसने पानी की बोतल ली, उसका पानी की बोतल इसने ले ली है, रात को भी बाइक पे जा रहे हैं लड़के, यार इसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, थोड़ा डी का छोड़ा था ना भैया लेने आए थे उन्हें बाहर, उन्होंने भी कहा कहीं रुकना मत यार, ये तो कॉमन सेंस है, अकेले बंदा फिर भी रुक जाता है, लड़की हो ना साथ में तो ब्रेक नहीं मारनी तुम्हें रात को, तो बिल्कुल भी नहीं, सीधा अपने घर पे उतारो, मुझे बस दवाई ले रही थी इसलिए मैं बार बार कह रही हूं पानी पी, मुझे अभी भी प्यास लग रही है बट पानी की बूंद नहीं मिल रही, रात को कोई भी कभी भी अगर लड़की हो मेरा गला सूख रहा है मत रुको यार, टाइम नहीं है, टाइम बहुत खराब चल रहा है इसका, सीधा चलो सीधे सीधे जाकर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा गला काफी सूख रहा है मेरा भी, मैं विक्स खा रहा हूं यार, सो गाइस बस यही था, मैंने रितिका को दिया सरप्राइज, रितिका का कोई रिएक्शन नहीं आया, बस तेरे पास यही है एक रिएक्शन दिया है कोई, इसमें देखो रिएक्शन देखो इसका भी, कमी मुझे ये अभी भी रिएक्शन देखो, तो अभी देख ले छोड़ बात, अब रिकॉर्ड करना था रिएक्शन तब तो तूने लिया नहीं, अब क्या फेक रिएक्शन, मैंने लिया था यार, तू पापा के साथ नाच रही थी, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करके गाड़ी में बैठा तू मेरे साथ, तब मुझे पता है कि मैं तेरे साथ ही जा रही हूं, तो मैं क्या रिएक्शन दूं यार, कैसी बात करे तू मेरे को, फेक क्यों कराता है भाई, लड़कियां कलेशी होती है, अगर आपकी वाली भी है कोई कलेशी, जिसकी भी है मुझे पता है वो कलेशी तो होगी,
आप लिख देना नीचे, हाँ भाई मेरी वाली भी है, और बता देना अगर आपको दिखता है कि मैं कोई कलेश करती हूँ तो। तब इन लोगों को भूली लड़कियाँ मिल जाती ना तो ये ऐसे ही बोलते हैं, सारी लड़की कलेश ही नहीं होती। गाड़ी चला अभी कोई रियल टकराई नहीं है, हाँ मत जोड़ तो रहने दे, ट्रक आ रहा है अभी इसको करूंगा अर्टिगा उठवाओ इसके घर, और तो तुझे रही नहीं होगा ये ट्रक है तुझे पता। ओके गाइस बाय बाय, सो जा यार, अर्टिगा सोने दे, जी और जीने दे, चल बंद कर देती हूं। ये आगे बाइक वाला है, तुझे तो पता ही नहीं होगा ना बाइक कैसी दिखती है। नहीं नहीं जी, हम तो हवाई जहाज में जाते हैं। पनीर देखा तूने? पनीर तो तूने देखा ही नहीं होगा कभी। नहीं दे, मैं तो गाड़ी भी नहीं देखी। गाड़ी गाड़ी क्या होती है, मैं तो बैलगाड़ी चला रहा हूँ। रहने दे, लेम मार दिया।